हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ पेन की कटिंग और स्टिचिंग कैसे की जाती है ये इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। ये सिंपल पेन बनाने का सबसे आसान तरीका है। पेन को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2.25 मीटर फैब्रिक लिया है और इसके साथ साथ मैंने पेन की ड्राफ्टिंग का पैटर्न लिया है, जिसका वीडियो मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, उस वीडियो को आप ज़रूर देख लेना एक बार। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लिया है और इसको अच्छे से बिछा लिया है। फैब्रिक को अच्छे से एडजस्ट करने के बाद अब मैं इस पर पेन का फ्रंट पैनल का ड्राफ्टिंग रखूँगी और उसको ट्रेस कर लूँगी। यहाँ पे मैं बेल्ट के लिए 2 इंच का मार्क कर रही हूँ जो मैंने ड्राफ्टिंग में किया हुआ था, और बॉटम में भी 2 इंच का मार्जिन छोड़ा था हमने, तो वो मैं यहाँ पे मार्क कर ले रही हूँ। अब मैं पेन के फ्रंट पैनल को कट कर लूँगी। पेन के फ्रंट पैनल की मैंने यहाँ पे कटिंग कर ली है। सेम इसी तरीके से पेन के बैक पैनल को भी फैब्रिक पे ट्रेस करके उसकी कटिंग कर लूँगी। पेन के बैक पैनल की भी मैंने यहाँ कटिंग कर ली है। ये पेन का फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है। अब हम पेन की स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम पेन के फ्रंट पार्ट का और बैक पार्ट के आसन को जोड़ लेंगे। आसन को जोड़ने के लिए मैं यहाँ पे 1/2 इंच का मार्किंग कर रही हूँ। हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पे मैं डबल स्टिच कर लूँगी। यहाँ पे मैंने पेन के फ्रंट और बैक पार्ट दोनों के आसन को स्टिच कर लिया है और डबल स्टिच किया है। इसके बाद पेन के बैक पैनल को सीधा बिछा लेना है। इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को हमें उल्टा रखना है जिससे कि अंदर की साइड दोनों सीधे हों, और इसके बाद पेन के दोनों साइड को मैं पिन की हेल्प से सिक्योर कर लूँगी जिससे कि जब मैं स्टिच करूँ तो फैब्रिक हिले नहीं। पेन की एक साइड मैंने पिन से सिक्योर कर ली है। अब मैं दूसरी साइड भी दोनों फैब्रिक को पिन से सिक्योर कर ले रही हूँ। यहाँ मैं पेन के दोनों साइड में 1/2 इंच का मार्क लगा लूँगी। पिन से सिक्योर करने के बाद अब मैं दोनों साइड 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच कर लूँगी। यहाँ पे पेन के दोनों साइड को मैंने स्टिच कर लिया है। अब मैं यहाँ पेन की मोरी को रेडी करूँगी। 2 इंच के मार्जिन में
फैब्रिक को आप आयरन भी कर सकते हो या आप पिन से सिक्योर कर सकते हो। आपको हाफ इंच पहले ऐसे फोल्ड करना है, उसके बाद डेढ़ इंच पूरा फोल्ड करके आप आयरन भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं पिन से सिक्योर कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने पिन से सिक्योर कर लिया, इसके बाद मैं यहाँ पे स्टिच कर लूँगी। इसके बाद अब मैं यहाँ पे सेंटर वाली स्टिच करूँगी। उसके लिए मैं यहाँ पहले फैब्रिक को पिन से सिक्योर कर ले रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक इंच का मार्जिन छोड़ा हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पे एक इंच का मार्जिन छोड़ते हुए चौक से पूरा निशान लगा लिया है। अब मैं यहाँ पे स्टिच कर लूँगी। पेंट का बॉटम पार्ट रेडी हो चुका है, अब हम पेंट का बेल्ट रेडी करेंगे। पेंट की बेल्ट बनाने के लिए हमने यहाँ 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था। 2 इंच के एक्स्ट्रा मार्जिन में हाफ इंच आपको ऐसे फोल्ड करना है, उसके बाद एक और फोल्ड करना है 1.5 इंच का, और पीछे हमारा 1.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको अच्छे से आपको पिन से सिक्योर कर लेना है ताकि कपड़े में झोल ना आए। और उसके बाद हम राउंड स्टिच कर लेंगे। राउंड स्टिच में आपको 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा छोड़ना है जहाँ से हम बेल्ट में इलास्टिक डालेंगे। यहाँ मैंने बेल्ट को स्टिच कर लिया है और यहाँ 1.5 इंच का गैप छोड़ा है। अब मैं इसमें इलास्टिक डालूंगी। यहाँ पे मैंने बेल्ट के लिए इलास्टिक ले लिया है। इलास्टिक मैंने कमर के अकॉर्डिंग लिया है, जितनी भी कमर होगी उसमें आप 4 इंच माइनस कर देंगे और उतना इलास्टिक ले लेंगे। यहाँ पे हमारी कमर 34 इंच है, इसलिए मैंने यहाँ पे 30 इंच का इलास्टिक लिया है और इसको मैं सेफ्टी पिन की हेल्प से बेल्ट में डाल दूंगी। इलास्टिक को आपको एक के ऊपर एक ऐसे रख के स्टिच करना है। यहाँ पे मैंने इलास्टिक में स्टिच कर लिया है। इसके बाद आपको ऐसे स्ट्रेच करके एक बार इलास्टिक को अच्छे से एडजस्ट कर देना है। अब जो बेल्ट का ओपन वाला पार्ट था उसको भी स्टिच कर लूँगी। इसके बाद अब मैं यहाँ पे एक सेंटर स्टिच करूँगी ताकि इलास्टिक मुड़े नहीं। बेल्ट भी हमारा रेडी हो चुका है। पैंट का फुल लुक कुछ ऐसा आएगा और इस तरीके से आप किसी भी साइज का पैंट घर में बना सकते हो। आप इसका फुल लुक देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है, और ये बहुत ही आसान तरीका है पैंट बनाने का। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।